नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। माधवी आर्य आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, मेडिकल डेंटल कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश, टीके की एक खुराक अनिवार्य। बेंगलुरु, प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग बोर्ड राज्य बोर्ड 12वीं के परिणाम की घोषणा 20 जुलाई को करेगा, विभाग के निदेशक आर स्नेहल ने कही ये बात। कोविड, कर्नाटक में 24 घंटे में 1,806 नए संक्रमित, 2,748 डिस्चार्ज और 42 की हुई मौत, रिकवरी दर 97.69%। वयस्कों से अलग कोविड के बाल मरीजों का उपचार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा, चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षित करेगी सरकार। कर्नाटक में मामले बढ़ने से निजी अस्पतालों को राहत, हर दिन करीब 30 मरीज हो रहे हैं भर्ती। कर्नाटक, डिप्लोमा डिग्री परीक्षा कार्यक्रम घोषित, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वथ नारायण ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद घोषणा की। यूरोप में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 120, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर ने कहा कि वह बाढ़ के कारण हुए विनाश से स्तब्ध हैं। HDFC बैंक Q1 रिजल्ट्स, जून तिमाही में नेट प्रॉफिट में 16.1% का इजाफा, आय 6.7% बढ़ी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, DRDO तैयार कर रही है स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक, दुश्मनों को मिलेगा जवाब। अब नई कीमत पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 66 करोड़ खुराक खरीदेगी सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 150 रुपए प्रति खुराक की दर से दोनों टीकों को खरीद रहा है। मंत्रालय ने संकेत दिया है कि 21 जून से नई कोविड-19 टीका खरीद नीति के प्रभाव में आने के बाद से कीमतें संशोधित की जाएंगी। हिमाचल में फिर तबाही मचा सकता है मौसम, 4 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट। गांजे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ड्रग्स स्मगलर ने अपनाया था बिल्कुल फिल्मी तरीका। आंध्र प्रदेश से निकले ट्रक में गांजे को अनानास और कटहल के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था। ईद उल अधा, महाराष्ट्र में इस बकरे के कद्रदान कई, 36 लाख रुपए की बोली, मालिक ने मांगे 1 करोड़। टाइगर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे संभालने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उसके शरीर पर जन्मजात अल्लाह लिखा हुआ है, यही कारण है कि हर कोई इसे खरीदना चाहता है। उत्तराखंड में भी उठा भू कानून का मुद्दा, बीजेपी कांग्रेस दोनों खेलेंगे इस पर चुनावी दावा। जानकार कह रहे हैं कि उत्तराखंड ने समय रहते ध्यान दिया होता तो भू माफियों का राज नहीं होता। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में राज्य की जमीन राज्य के लोगों के लिए होने संबंधी कानून को लेकर लहर है। हरिद्वार में मास्क प्रतिबंध मामले में हाईकोर्ट ने पूछा, क्या राज्य तय करेगा लोगों की पसंद। टोक्यो पैरालंपिक में खेलेंगे नोएडा के DM सुहास, बोले मेरा लक्ष्य पदक जीतना। हरियाणा, FB पर दोस्ती फिर नौकरी लगाने के बहाने विवाहिता से रेप, सरपंच सहित 5 पर FIR। झारखंड, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी उग्रवादी शनिचर सुरीन ढेर। अमेरिका, जो बाइडेन बोले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत सूचनाओं से ले रहे लोगों की जान। आतंकी हमले पर चीन का फूटा गुस्सा, कहा पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर सकता तो हम तैयार। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू बांध परियोजना स्थल के लिए चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रही बस में विस्फोट होने से 9 चीनी नागरिकों और फ्रंटियर कॉर्प्स के 2 सैनिकों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और 39 अन्य घायल हुए थे। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।